एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित टोकरा पट्टी गांव पहुंचा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान गुलशन जहां के द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 425 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वही बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी राइस रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 158 विद्युत का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी राइस रोड, पानी निकासी के लिए 400 मीटर नाला, खडंजा, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास के भी निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। डाकखाना नगलिया में ब्लॉक गजरोला जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में कुछ सड़कें हैं जो कच्ची हैं, एक पानी की टंकी की आवश्यकता है, एक स्वास्थ्य समुदाय केंद्र की आवश्यकता है और जो है पानी की निकासी की एक 500-400 मीटर नाली की बहुत ज़रूरी पानी की निकासी की आवश्यकता है और बाकी गाँव में विकास ठीक है। विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन और जो है थोड़ा आवास इंदिरा आवास वैसे प्रधानमंत्री आवासों की 5-7 आवासों की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके लिए इस लायक हैं, इससे मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में और अच्छा विकास हो।